दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो बहुत ही सामान्य है लेकिन बहुत जरूरी है। हम सबको उन बातों पर गौर करना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, यदि जब भी आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो कुछ बातें ऐसी जो बहुत जरूरी है और उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं तो जो भी उसकी पर्ची है, जो भी वो पर्ची यहाँ पर काउंटर पे है, वो कटके उसको लेके डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि फिर बिना उसके पूरी प्रोसेस आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी बात, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को अपनी बात बताएं, अपनी समस्या बताएं। ये नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ कि लोग, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक वाला डॉक्टर हूँ जैसे, तो सीधे मेरे पास आते हैं और कि डॉक्टर साहब मेरा एक्सरे लिख दो, ये दवाएँ लिख दो। इस तरह की बातें करने से जो डॉक्टर जो आपको ट्रीट करेगा वो इस चीज़ों से इरिटेट हो सकता है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है, कई लोगों को देखता हूँ कि वो गुटखा दबा के चले जाते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो गुटखा थूक के जाएं, वैसे तो खाना बहुत गलत है, लेकिन यदि आप खाते हैं तो डॉक्टर के सामने बहुत सही तरीके से पेश हो। और चौथी बात है, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को ये नहीं बताएं कि आपके पड़ोसी ने आपको क्या बीमारी डायग्नोज की थी। जैसे कई बार देखता हूँ कि मेरे पड़ोसी ने बताया था कि मेरे सीआरटीका है तो मेरी MRI लिख दो। तो इस तरह की बेतुकी बातें आप बिल्कुल नहीं करें। डॉक्टर को अपनी समस्या बता करके उसका उपचार करने पर उसको ध्यान केंद्रित करने दें। तीसरी बात, ये देखता हूँ कि लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में हर डॉक्टर का अलग चैम्बर होता है, तो आप जब भी हॉस्पिटल जाएं तो आप जो उसका हेल्प डेस्क काउंटर, वहाँ जा करके डॉक्टर का नाम या उसकी जो स्पेशलिटी वो पता करें। ऐसे कहीं भी नहीं घूमें और किसी भी चलते आदमी से, स्पेशली डॉक्टर से नहीं पूछें, क्योंकि मैं सरकारी हॉस्पिटल के 24 नंबर कमरे में रहता हूँ, वहाँ मेरी इमरजेंसी, तो पेशेंटों से ज़्यादा तो लोग मेरे से ये पूछते हैं कि वो डॉक्टर आज आया या नहीं आया। अरे ऐसे डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में बहुत, 10-15-20, जैसे हमारे हॉस्पिटल में तो 40 डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे पता नहीं होता, जो डॉक्टर बताता नहीं है या उसको बताता है कि वो उस कमरे में, तो डॉक्टर हो सकता है उसे डॉक्टर छुट्टी पे हो, तो वो आकर के और उस पर डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, हेल्प डेस्क पर जाकर के डॉक्टर का नाम पता करें, उसकी स्पेशलिटी पहुंचे और फिर अपना इलाज लें। और एक जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कई अच्छे नए नौजवान पढ़े लिखे वो खुद भी ऐसे घूमते रहते हैं, जबकि सरकार ने हर जगह नाम, डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं हर चैम्बर के बाहर, कुछ एरो लगा रखे हैं कि भाई जैसे ऑपरेशन थिएटर कहाँ है या आपका OPD रूम कहाँ है। तो आप उनको पढ़ें, क्योंकि वो अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको हिंदी में लिख रखा है, वो आपको हिंदी आती है, तो उसको फॉलो करें और आप खुद भी वहाँ जाएँ। और जो अगर आपके आसपास ऐसे अशिक्षित या अनपढ़ लोग हैं, गांव से आ रहे हैं बेचारे, उनको पता नहीं है, तो उनकी मदद भी करें। मेरे को गुस्सा तब आ जाता है जब कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारे चैम्बर पे, जबकि हमने वहाँ अच्छे से लाल अक्षरों से लिखा रखा है नाम, तो भी पूछता है कि ये हड्डी रोग का कमरा है क्या। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करें। आप पढ़े लिखे तो आप अपने जो आपने पढ़ाई की उसका मतलब निकालें और उस चीज़ों पर गौर करें। दूसरी बात, कई बार मैं देखता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने आते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं कि बात कर लो, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भाई कोई भी डॉक्टर वहाँ बैठा है तो आपका इलाज करेगा। हाँ, यदि आपको किसी डॉक्टर को फ़ोन कराना है तो जो लोग आपको, जो बंदा आपको जानता है, उस डॉक्टर को जानता है, आपको ऐसे थोड़ा सा ये रहता है कि भाई डॉक्टर जानकार है तो अच्छा इलाज करेगा। बाकी मेरा ये व्यू है कि डॉक्टर हर व्यक्ति का सही इलाज करेगा। यदि आप उनके जानकार है तो आपसे दो बात पूछ लेगा, वो बहुत खास जानकर आपको चाय के लिए ऑफर कर देगा। बाकी इलाज में ये नहीं कि आपका कोई अच्छा इलाज करेगा या कोई आदमी जानकार नहीं तो उसका गलत इलाज करेगा। ये मेरा डॉक्टर होने के नाते मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप सिस्टम को समझें कि भाई किस आदमी की क्या जिम्मेदारी है, और जो भी जिम्मेदार आदमी है उससे विनम्रतापूर्वक मिले आपकी जो भी समस्या उसको हल करने के लिए। ये नहीं कि जिम्मेदारी किसी और की, आप किसी और आदमी से बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो उससे उसका कोई समाधान नहीं होता। तो आप यदि पढ़े लिखे हैं तो सिस्टम को समझने का प्रयास करें कि इस आदमी की ये जिम्मेदारी थी, इसने इसका काम कर दिया है, अब उस आदमी की जिम्मेदारी तो उस आदमी से मिले या उसके ऊपर जो अधिकारी, उससे आप जाएं उसके पास और विनम्रतापूर्वक उससे आपकी समस्या का समाधान सुने या पूछें। ऐसे हर किसी आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहरा है जो आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, दूसरा सरकारी हॉस्पिटल में क्या, जैसे कि सारी चीज़ें फ्री है तो लोग कई बार क्या ऐसे कुछ भी लिखवाने आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करें कि डॉक्टर ट्यूब लिख दो या उसकी बुके बड़ी गोल, और वही दवाइयाँ, कोई हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो वही दवाइयाँ लो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है या बताता है, और उन्हीं को लो, ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से अपना इलाज नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि, हालांकि चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हर आदमी समझता है इन चीज़ों को, हर आदमी हर, लेकिन
एक डॉक्टर होने के नाते जो 3 साल में मैंने फेस किया है, मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लोग इस बात को समझे, ताकि डॉक्टर का और पेशेंट का जो रिश्ता है जो उनका, वो एक अच्छे से चले, अच्छे से बना रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे इतना सा अनुरोध है, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और भी ऐसी बातें हैं, और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारा जो YouTube चैनल है डॉक्टर ऑन डोर, उस पर हम आपको देते रहेंगे। यदि कोई भी फीडबैक है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, या उसकी जागरूकता के बारे में, कोई बीमारी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो लोगों को प्रभावित करती है, आप उस टॉपिक को, उस बात को हमारे तक पहुँचाएं, ताकि हम, हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर ऑन डोर, हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हेल्थ के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत करें। लेकिन क्रांतियां कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए लोगों का पार्ट, भागीदारी उनका उसमें सुनिश्चित करनी होगी, तभी आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी और भी हमारे वीडियोज है डॉक्टर्स के, उनको अधिक से अधिक देखें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर उनको अधिक से अधिक शेयर करें। जितने आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही हमारी इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों को, जो ग्राउंड लेवल की जो जानकारियां हैं, हम चाहेंगे कि हर आदमी तक पहुंचे, और इसके लिए हम प्रयत्नरत रहेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।